अस्सलाम ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है। शॉपिंग हो गई है? कर रहे हैं अभी फिलहाल। कर रहे हैं। वोट किसे दिया था आपने? ये नहीं बता सकते। क्यों? ये प्राइवेसी है। नहीं यार, फिर भी वोट हमने इमरान खान को दिया है। इमरान खान को दिया है? कोई उम्मीद है अच्छी इमरान खान की गवर्नमेंट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी बेहतरी आएगी। क्यों बेहतरी आएगी? पक्की बात है, जरूर आएगी बेहतरी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वोट दिया था आपने? हाँ जी। किसको? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों वोट दिया? पीटीआई को इसलिए वोट किया कि वो अच्छा है। देखो उसने हमारे मुल्क के लिए ये किया कि उसने मुल्क के चोर पकड़े हैं और इतने जो जोरावर और ताकतवर लोग थे उन लोगों के साथ मथा लगाया और पाकिस्तान के लिए जो उसने बहुत कुछ। अगर इमरान खान साहब अच्छे काम नहीं करते नहीं करते तो फिर वो भी पाकिस्तान के वो अवाम उनको भी नहीं फिर रखे। ठीक है, अवाम मुस्तरद कर दी कि अगर आपने काम ना किए खान साहब। कैसी हैं आप? किसे वोट किया था? पीटीआई को। पीटीआई क्यों वोट किया वैसे? चेंज चाहिए हमें। कैसा चेंज चाहिए हमें? हॉस्पिटल्स आप देखें, मेडिकल शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने हमें कुछ नहीं दिया। आप जनरल हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल जाके वार्ड्स चेक करें उनकी। हमने सड़के चार्ट नहीं लिए, वहाँ के चूहे देखे जाके। मेरी कजन को मैंने वहाँ कैंसर से मरते हुए देखा है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, हम रो के वापिस आ जाते थे। ठीक है। हाँ जी। अगर इमरान खान साहब भी ये नहीं करते फिर हम नेक्स्ट देखेंगे किसको करना है। लेकिन उम्मीद है क्योंकि अगर उधर केपीके में उसको दोबारा मौका दिया गया तो उसने कुछ किया तो उसको मौका दिया गया ना, तो अब इधर भी देखें हो सकता है चेंज आए। जी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बताएं किसको वोट किया था आपने? पीटीआई को। पीटीआई को आपने क्यों किया? पीटीआई को वोट मैंने इसलिए किया कि हमें चेंज चाहिए। आपको क्या चाहिए अब? मैं कहती हूँ महंगाई कम हो, बिजली कम हो, रेट बहुत ज्यादा नहीं दिए जाते बिल हम। खाने के लिए नहीं है, घर में बिजली का बिल आ जाता है तो परेशानी होती है बहुत ज्यादा कि कहाँ से भरेंगे। इतने कमाने वाले नहीं है जितना बिल आ जितना बिल देते हैं। खासकर खवातीन को आपने बड़ा मोटिवेट किया और मजबूर किया आपकी मोटिवेशनल स्पीच ने कि खवातीन भी घर से बाहर निकलें और मुल्क की तरक्की में, मुल्क को आगे लेके जाने में अहम किरदार अदा करें। तो खवातीन की बातें आपने सुन ली खान साहब, बड़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। महंगाई की बात उन्होंने की, हॉस्पिटल्स की बात की और बिजली के बिलों की बात की, तो ये सारे काम हैं जिनकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आपने ही ये काम तमाम करने हैं। वोट दिया था किसे? नून लीग को। कोई क्या समझते हैं अब आप? नून लीग यहाँ से जीत गई है लेकिन गवर्नमेंट नहीं बनी नून लीग की? नहीं, गवर्नमेंट नहीं बनी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बन जाएगी। तरीके साहब वाले काम करेंगे अच्छे? अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पता चल जाएगा। आपने वोट किया था? जी मैंने दिया था। आपने किसे दिया था? शेर को दिया। शेर को इन्होंने कहा तो नहीं आपको मजबूर किया था? नहीं। अच्छा आपने क्यों किया शेर को वोट? बस उन्होंने कुछ काम ऐसे किए, मैं लाजमी तो नहीं कि सारे वो काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो किए हैं। अब तरीके साहब से है कोई उम्मीद आपको? मुझे नहीं उम्मीद कोई भी। मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स हैं तरीके साहब से, नो उम्मीद। भाई क्या हाल है? पीछे बेटा पीछे देख लो। शुक्र अल्लाह का। वोट किसे दिया था? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों वोट किया? पीटीआई को यार, लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने बड़े काम किए हैं। काम तो उन्होंने किए हैं लेकिन आपको पता करप्शन भी उन्होंने काफ़ी किया है इसकी वजह से वो। तो अब क्या उम्मीद है आपको इमरान खान साहब से? इंशाल्लाह अभी काफ़ी उम्मीदें हैं जैसे उन्होंने कौम से वादे किए हैं। अगर खान साहब उम्मीदों पर पूरा ना उतरे फिर? नहीं इंशाल्लाह। कप्तान है पाकिस्तान का, इंशाल्लाह ताला पूरा उतरेगा। वो कप्तान पाकिस्तान का कप्तान है, पाकिस्तान की जान है वो। अच्छा जनाब पूरा उतरेगा? पूरा उतरेगा। बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी कुछ बुजुर्ग हजरात यहाँ पे बैठे हैं और गुफ्तगू चल रही है तो हम जरा डिस्टर्ब करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं सबसे बात करता हूँ जी, मैं बल्कि दरमियान में आता हूँ। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक। कैसे हैं अब बताएं जी, कौन लीडर है आपका? बताओ जी, बड़े भाई बताएंगे आपसे, उनसे पूछता हूँ ना। बक्की तौर पे तो यही इमरान खान साहब हैं। बक्की तौर पे पहले किसको सपोर्ट करते थे? पहले नून लीग को। तो क्यों आप कन्वर्ट हुए? वक्त के हिसाब से करना पड़ता है, वजह भी तो होती है ना। कोई वजह नहीं, चेक करेंगे अब इनको। चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल, उम्मीद है अच्छी। आप बताएं जी, इमरान खान आपने पहले, आप भी नून लीग के साथ थे पहले? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी के 36 साल पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा। अच्छा, तो कन्वर्ट की क्या वजह है? कन्वर्ट की वजह मुल्क की पॉलिसीज, पार्टी पॉलिसीज जिससे उन्होंने डिनाई किया। सही, तो इस सूरत हाल की वजह से हमने। इमरान खान सब सही है, सही करेंगे मुल्क के लिए। देखिए जी, फी जमाना तो उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान की फेवर में जा रही है। ठीक है, जो आदमी जिनको 30-30 साल आजमाया है उसके बाद अगर कोई नया बंदा आता है और वो अपने नए व्यूज़ देता है तो उसको आजमाना चाहिए।
अगर इमरान खान साहब नहीं करते काम जो वो कहते हैं, जो बातें करते हैं, इन अदर वर्ड्स वो यू टर्न ले लेते हैं, फिर मैं पाकिस्तान में सबसे पहला आदमी होगा जो उनकी मुखालफत करेगा। रेदी खान साहब सुन लें, अब आवाम को शऊर आ चुका है, अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपकी मुखालफत शुरू हो जाएगी। आप बताएं जी वाजिब वक्त। इंशाल्लाह जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। अच्छा पीपल्स पार्टी तो लाहौर में नामो निशान नहीं, पंजाब में क्या हो गया, ये पार्टियों में उतार चढ़ाव आता रहता है। अच्छा वैसे क्यों सपोर्ट करते हैं आप पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अच्छी है, गरीब आवाम के लिए पॉलिसी होती है। साल गांव वो भाई की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, वो मेरा दोस्त है, हमारे साथ काम किया उसने। अच्छा इंशाल्लाह वो वापस आएगा अपने घर, वो हमारा घर है पीपल्स पार्टी, इंशाल्लाह आएगा। हम दावा कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट है अब तरीके इंसाफ की जो बनने लगी जी, क्या उम्मीद है उनसे? इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट बनी है तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है। 100 दिन का जो पैकेज है उनका वो अभी से बेचारे मुकरने शुरू हो गए। मुझे आप ये बताएं कि अगर अच्छे काम कर देती तरीके इंसाफ फिर करेगी तो बहुत अच्छा है। फिर वोट किसे देंगे, कन्वर्ट करेंगे आप? देखेंगे जो पार्टी अच्छी होगी उस टाइम, जिसका मंशूर अच्छा होगा, मंशूर की बात है। ठीक है जी, बातों बातों में कह दिए कन्वर्ट हो सकते हैं। आप बताएं जी वोट किसे दिया था आपने? टीएलपी को दिया था वोट। अच्छा जी, तरीके बैक पाकिस्तान को आपने वोट दिया था। गवर्नमेंट बन रही है तरीके इंसाफ की, क्या कहेंगे? जिस तरह बन रही है आपको भी पता है सारा ही। अच्छा आपको भी पता है, सबको पता है, जो जिस तरह भी ये धांधली हुई है, जो भी तरीका कर हुआ है, आप सब लोगों को पता है, बच्चे को पता है इस चीज़ का। अच्छी उम्मीद है या नहीं? वो इसमें सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन हुई है या नहीं है ये बताएं। इमरान खान से हमें तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी उम्मीद नहीं है जी इनको। अस्सलाम वालेकुम जी, अचानक एंट्री मारी हमने, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वोट दिया था आपने? हाँ जी। किसको? बल्ले को। बल्ले को क्यों वोट दिया? बल्ले को बस पैसे ही के अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था, नया पाकिस्तान आएगा ना। अच्छा हाँ। अब क्या उम्मीद है, नए पाकिस्तान में क्या होना चाहिए मुझे ये बताएं। यही हो, महंगाई कम हो, बिल कम आए, घर का आराम से काम तो चले सारा। अच्छा हाँ जी। और अगर बिल कम नहीं करते इमरान खान साहब फिर? तो फिर हम अपना वोट वापस ले लेंगे। खान साहब वोट वापस हो जाएगा अगर आपने अच्छे काम ना किए तो। कैसे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं आप? हम शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करने आए हैं। मुझे बताएं वोट किसे दिया था? वोट पीटीआई को। पीटीआई को। पीटीआई यहाँ से क्यों आ रही है वैसे? जहाँ से हारने का तो, यहाँ से हारने का तो मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं है। अच्छा। लेकिन वैसे पीटीआई ने तो बहुत अच्छी लीड से जीती है ओवरऑल। क्या कहेंगे, उम्मीद है अच्छी आपको? जी बिल्कुल उम्मीद है। क्या काम करना चाहिए खान साहब को सबसे पहले? खान साहब को सर जो हमारे जो मुल्की हालात हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, उनके ऊपर जो है ना साहब टोटली फोकस करना चाहिए। ठीक है। जो भी पोजीशन खराब हुई हुई है मुल्क की, हमारी जो ये मैशियत खराब हुई हुई है। अच्छा आपने वोट दिया था रीगन साहब को, फैमिली वालों को कन्विंस किया था साथ? जी बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब अच्छे काम नहीं करते, यू टर्न ले लेते हैं फिर? सर फिर उनको ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि ये अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाए। ठीक हो गया, बड़ी बात कर दी खान साहब। अगर आपने काम नहीं करना या नहीं कर सकते तो आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। वोटर की है जुबान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वोट दिया था आपने? हाँ जी, पीटीआई को। पीटीआई को, पीटीआई हुकूमत बना रही है, कैसे जज्बात हैं आपके? लगता तो अच्छा है। अगर अच्छे काम नहीं करते फिर इसको किसी और चांस मिलेगा? किसी और? आप बताएं वोट किया था आपने? हाँ जी। किसको? पीटीआई। आपने भी पीटीआई को वोट किया था? तो सुनने में तो ये आता है कि यूथ जो है वो पीटीआई की है। पीटीआई से तवक्को तो बड़ी है। अच्छा आपको भी तवक्को है पीटीआई से? हाँ जी है, तो सही के कोई मैसेज देंगे, कोई मैसेज देंगे इमरान खान को? स्पीच दी है जिस तरह उन्होंने बताया, बातें की है ना, वही हो गई, वही ही कैन डू समथिंग। ठीक है आप बताएं। हाँ जी बस सही है, करने चाहिए जो काम उन्होंने कहे हैं। हाँ वो करने चाहिए। और खवातीन के हवाले से कोई मैसेज देंगे आप? भाई यही है कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो, कोई अच्छा हुक्मरान आए, बस यही है। चलें जी इमरान खान साहब आपने अच्छा हुक्मरान साबित होना है, इन लोगों ने बड़ी उम्मीद बांध के आपको वोट किए हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वोट किसे दिया था? वोट तो हमने यार रसूल अल्लाह बैक तरीके लबैक यार रसूल अल्लाह। गवर्नमेंट तरीके इंसाफ की आ गई है, अच्छी उम्मीद है? ये तो पता नहीं जी, उम्मीद कोई नहीं, आप सोचते नहीं कुछ? नहीं। अच्छा जी सोचा करें, आपने वोट दिया था जी तरीके लबैक, तरीके लबैक नहीं जीती, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जीतेगी। और तरीके इंसाफ के बारे में क्या ख्याल है गवर्नमेंट की? इंशाल्लाह आप देखें बेहतरी करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है जी, तरीके इंसाफ बेहतर करेगी जो करेगी। वोट उन्होंने दिया तरीके लबैक पाकिस्तान को। नाज़रीन, NA-129 के इलाकों का हमने आज विजिट किया, आपके साथ शेयर किया कि आवाम अब
سردار ایاز صادق کو جتوانے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے بات کی مسلم لیگ نواز کے سپورٹر سے بھی، ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر سے بھی، دونوں ووٹرز کو امیدیں وابستہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ مسلم لیگ نون والے ووٹرز جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے تھا۔ اب ایک موقع، وہ جو واحد موقع ہے جسے ہم گولڈن چانس کہیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل چکا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتی ہے صورتحال پاکستان تحریک انصاف پہ اور عمران خان صاحب پہ کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، کیا حقیقی معنوں میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ ان شاء اللہ ناظرین ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔